संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकल रही है, इसमें किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार का एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे सब्सक्राइब करना था। साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे उस बेल आइकन को दबाना था। साथ इस वीडियो को यहां से लाइक जरूर करना है। तो हम सबसे पहले आपको वैकेंसी डिटेल्स दिखा देते हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी आपको 41 वैकेंसी आपको मिल रही है। 41 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। जो योग्यता रखी गई है हाई स्कूल, मतलब 10वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपकी 18 से लेके 35 ईयर्स के बीच है, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 35, ठीक है। और इसमें जो एज की गणना की जा रही है, मतलब एज की जो गणना की जा रही है, 1 जुलाई 2018 को आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 35 ईयर्स। और यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको पेमेंट क्या मिलेगा, 5,200 से लेके 20,200 रुपये की आपको इसमें पेमेंट मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा 1900 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए मिल रही है आपको। यहाँ ड्राइवर ग्रेड 4th के लिए ये वैकेंसी आपको मिल रही है, ग्रुप सी या क्लास सी में आपको ये वैकेंसी मिल रही है, ठीक है। ड्राइवर की ये वैकेंसी आपको मिल रही है, और ड्राइवर की यदि वैकेंसी निकल रही है तो इसके साथ 10वीं प्लस हो जाता है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। और इसमें क्या है कि 5 वर्ष लेस, मतलब पुराना, 5 वर्ष पुराना यदि आपके पास लाइसेंस है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बताते हैं किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो अभी स्क्रीन पे आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट के थ्रू आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये जॉब निकल रहा है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जॉब निकल के आ रहा है। 41 वैकेंसी आपको मिल रही है, ड्राइवर की पोस्ट मिल रही है। इसमें किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा हम आपको डिटेल्स दिखा देते हैं। एज की जो गणना की जा रही है मैंने पहले बता दिया है। जॉब की लोकेशन रहेगी उत्तर प्रदेश, और यहाँ देख सकते हो कैटेगरीज वाइज इसमें आवेदन शुल्क, एग्जाम फीस रखी गई है 500 रुपये, जो रखा गया है जनरल और OBC, और जो छूट मिल रही है SC ST के कैंडिडेट्स हैं यूपी के, ओनली यूपी के जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको छूट मिल रही है, 300 रुपये ही उनको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और अदर जो यूपी के जनरल के हैं और अदर स्टेट के जनरल के हैं उनका भी 600-500 रुपये, और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ 500 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो मित्रों ये जॉब हमारा निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो रहेगी 7 जनवरी 2019 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा वो, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 18 से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहाँ हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।